गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। सो आज हम पढ़ेंगे स्टैटिस्टिक्स चैप्टर में फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन। फ्रीक्वेंसी और डिस्ट्रीब्यूशन, कल मैंने आपको फ्रीक्वेंसी बताया था कि कोई पर्टिकुलर डाटा कितने नंबर ऑफ टाइम्स आता है। मैंने यहां पर कुछ एक छोटा सा टेबल भी देख के बताया था, वो था फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन। What is frequency distribution? The tabular form of data. Tabular form of data. टेबल में डाटा को लिखना, टेबुलर फॉर्म ऑफ डाटा एंड इट्स फ्रीक्वेंसी इसको कहते हैं फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन। इसके टू टाइप्स एक होता है अनग्रुप्ड फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन, अनग्रुप्ड फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन, और दूसरा होता है ग्रुप्ड फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन। ठीक है, अभी अनग्रुप्ड क्या होता है और ग्रुप्ड क्या होता है यह हमें पढ़ना है एक्सरसाइज 14.2 में। अनग्रुप्ड, ग्रुप का मतलब क्या होता है, टू और मोर देन टू का ग्रुप बनाए तो उसमें थोड़ा कलेक्शन होता है, और अनग्रुप में क्या होता है, अनग्रुप्ड है मतलब इंडिविजुअल है, उसके साथ कोई ग्रुप है ही नहीं। ये तो इनकी सिंपल मीनिंग है, बट स्टैटिस्टिक्स में फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन का टेबल बनाते समय हम इसको कैसे करेंगे ये हम पढ़ेंगे एक्सरसाइज 14.2 में। सो लेट्स सी एक्सरसाइज 14.2 क्वेश्चन 1। ये क्वेश्चन 1 मैंने आपके बुक से लिख लिया है, पेज नंबर 245। अब इसको फिर क्वेश्चन पढ़ लो। पहले द ब्लड ग्रुप ऑफ 30 स्टूडेंट्स, टोटल स्टूडेंट्स 30 हैं, यानी टोटल 30 आने को ही होना। अब क्लास 8 आर रिकॉर्डेड एज फॉलोस, उसके बाद में वहां पर डाटा दिया है, उसके नीचे लिखा है रिप्रेजेंट दिस डाटा इन द फॉर्म ऑफ फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन टेबल बनाइए। विच इज द मोस्ट कॉमन, सबसे कॉमन ब्लड ग्रुप कौन सा है, एंड विच इज द रेयरेस्ट, और कौन सा रेयरेस्ट बहुत ही दुर्लभ ब्लड ग्रुप है वो आपको बताना है अमॉन्ग दीज स्टूडेंट्स। ओके, सो पहले तो हम इसको टेबुलर फॉर्म में बताएंगे, फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन टेबल के फॉर्म में। So, इसके बाद में सॉल्यूशन आंसर, दिस इज द क्वेश्चन। अब आपको आंसर कॉपी में क्या लिखते हैं वो मैं बताता हूं। पहले आपको एक टेबल बनाना है, ये क्या है, ये ब्लड ग्रुप्स है, तो हमने पहले कॉलम में लिखना चाहिए ब्लड ग्रुप। ब्लड ग्रुप उसके बाद में टैली मार्क्स, टैली मार्क्स, और उसके बाद में लिखते हैं फ्रीक्वेंसी। इस तरह से ये हुआ टेबुलर फॉर्म में बनाना, ये है अनग्रुप्ड, हम अनग्रुप्ड बना रहे हैं, अनग्रुप्ड फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन टेबल हम बना रहे हैं अनग्रुप्ड, क्योंकि हम यहां पर जितने भी ब्लड ग्रुप हैं सबको इंडिविजुअल लेंगे, कलेक्शन नहीं करेंगे। सो यहां पर ब्लड ग्रुप कितने हैं, एक ए ब्लड ग्रुप होता है, ब्लड ग्रुप बी होता है, ब्लड ग्रुप ओ होता है, और ब्लड ग्रुप ए बी होता है, फोर होते हैं।
तो पहले हम 4 को लिख लेना चाहिए. ओके सो इसमें ब्लड ग्रुप ए, बाद में बी, ए बी, ओ और ए बी. ये पहले ब्लड ग्रुप कौन कौन से हैं, यहाँ पर ये सब इंडिविजुअल हैं इसलिए इसको लिख लिया. उसके बाद में अब ए कितने टाइम्स आया वो हम काउंट करेंगे. ए कितने टाइम्स आया उसको हमको काउंट करना है. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 and 9. सो इसकी फ्रीक्वेंसी हो गई 9. फ्रीक्वेंसी 9 हो गई. टैली मार्क्स कैसे लिखेंगे? 5 का वन ग्रुप, वो सिंगाड़े वाली एक बार में 5 पकड़ती है, वो हुआ टैली मार्क्स. 1, 2, 3, 4 एंड इट इज 5. अब बच गए कितने? 9 में से 5 तो आ गए, कितने बच गए? 4. उनको लिखे 1, 2, 3, 4 हो गया, ये टैली मार्क्स है. अब बी को काउंट करें कि कितने बार आया. 1, 2, 3, 4, 5, 6 बार. सो इसकी फ्रीक्वेंसी हो गई 6. तो टैली मार्क्स कैसे लिखेंगे? 5 and 1. 1, 2, 3, 4, 5 and 1, 6. अब वो कितने बार आया वो देखें. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 टाइम्स. ये हो गया 12. ब्लड ग्रुप कैसे लिखेंगे, टैली मार्क्स कैसे लिखेंगे? 1, 2, 3, 4, 5, 1, 2, 3, 4, 5, 10 हो गए और ये हो गए 12. इस तरह से. अब ए बी कितने बार आया? ए बी है ये 1, 2, 3 टाइम्स. ये हो गया 3 टाइम्स. सो 1, 2, 3 नाउ टोटल 30 स्टूडेंट्स हैं, 30 टोटल आना चाहिए. ठीक है, 15, 12, 15, 15, 30 इट इज टोटल 30. ये हो गए फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन टेबल. ठीक है, अब आपको आंसर देना है. स्टैटिस्टिक्स के डेफिनेशन में हमने पढ़ा था कि पहले डाटा कलेक्ट करना, फिर उसको ऑर्गेनाइज करना, फिर उसको एनालाइज करना और उसके बाद में उसको कंक्लूजन निकालना. तो आपको कंक्लूजन के लिए उसने 2 क्वेश्चन पूछा है. वो 2 क्वेश्चंस हैं. विच इज द रेयरेस्ट एंड विच इज द मोस्ट कॉमन. जो सबसे ज्यादा बार आया वो मोस्ट कॉमन और जो बड़ा दुर्लभ होता है वो रेयरेस्ट. सो कॉमन ब्लड ग्रुप हैं, कॉमन ब्लड ग्रुप इज एंड रेयरेस्ट ब्लड ग्रुप इज सबसे ज्यादा बार आया है वो, ये कॉमन और सबसे कम बार आया है ए बी, ये रेयरेस्ट और ये मोस्ट कॉमन. ठीक है, सो
आपके बुक में अगर बैक में जाकर अगर इसको टैली करें तो यस मोस्ट कॉमन ओ है और रेयरेस्ट ए बी है, इट इज करेक्ट. मोस्ट कॉमन ब्लड ग्रुप इज ओ एंड इट इज रेयरेस्ट. ये हो गया कंप्लीट सेंस में आंसर, राइट. इसको बोलते हैं अनग्रुप ऑफ फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन टेबल बनाना. ओके, नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन. Question 6. Question 6. 3 coins were tossed 30 times. Total 30. Simultaneously. Each time the number of heads occurring was noted down as follows. हर बार number of heads कितने आए तो number of heads उसने बताया है. ये data collection है. नीचे में लिखा है प्रिपेयर अ फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन टेबल फॉर द डाटा गिवन अबव. उसने ये कुछ नहीं कहा कि ग्रुप करो या अनग्रुप करो. तो उसमें आप देखेंगे तो मिनिमम है 0, 1, 2 एंड मैक्सिमम है 3. तो हम ये बहुत लिमिटेड डाटा हैं तो हम इसको लिख सकते हैं. सो आपको क्या लिखना चाहिए, आंसर अनग्रुप्ड frequency distribution table. यहां पर लिखेंगे number of heads tally marks and frequency. मिनिमम 0, then 1, then 2 and 3 बस इतने नंबर है तो हम इसको अनग्रुप में लिख सकते हैं. अब आप अपने बुक में क्वेश्चन नंबर 6 में जाएं और 0 कितने बार आया ये काउंट करें तो यू विल फाइंड दैट 0 आया है 6 टाइम्स. ठीक है, अब मेरे पास क्वेश्चन लिखना पॉसिबल है नहीं और मैं काउंट नहीं करूँगा. बुक आपके पास में है और उसमें सारे नंबर्स हैं, इससे आप काउंट करके मैच करें एंड प्रैक्टिस करें. एग्जामिनेशन में आपको टेबल बनाने के लिए ही आएगा. 6 है, उसके बाद में 1, 10 times आया है, 2 ये 9 times आया है और 3 ये 5 times आया है. सो इसकी फ्रीक्वेंसी है 6, 10, 9 and 5 टोटल 30. 30 टाइम्स ऑब्जर्वेशन लिया सो टोटल है 30. अब टैली मार्क्स कैसे लिखना ये तो आपको मालूम ही है, मैं एक लिख के बता देता हूँ. 1, 2, 3, 4, 5 and 1 इसके 5 के 2 ग्रुप, इसको 5 और 4 और इसका 5 का ओनली 1 ग्रुप. 1, 2, 3, 4 and 5 ओवर. इस तरह से ये क्वेश्चन हो गया है. इसमें आपको कोई एनालिटिकल क्वेश्चन नहीं पूछा है शायद कि कोई रेयरेस्ट वगैरह, ऐसे चेक कर लेते हैं. नहीं, क्वेश्चन 6 में ऐसा कोई क्वेश्चन नहीं पूछा है तो इट इज ओवर. उसके बाद में दिस वाज क्वेश्चन नंबर 6. इट वाज क्वेश्चन नंबर 6. नाउ क्वेश्चन नंबर 7 आल्सो. क्वेश्चन नंबर 7 में द वैल्यू ऑफ पाई अप टू
50 डेसिमल प्लेसेस इज गिवन बिलो। ये आपको काफ़ी कंफ्यूजिंग है। सो मेक अ फ्रिक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ द डिजिट्स फ्रॉम 0 to 9 आफ्टर द डेसिमल पॉइंट, यानी डेसिमल पॉइंट का पहले जो 3 है उसको नहीं गिनना है। व्हाट आर द मोस्ट एंड द लीस्ट फ्रिक्वें, वही जो सबसे ज़्यादा बार आया मोस्ट और जो सबसे कम आया वो लीस्ट, वो नीचे में लिखना है। तो आपको क्या करना है कि अब ये तो इस तरह से क्वेश्चन आएगा, अब आप इसमें कैसे करेंगे वो देख सकते हैं। तो इसमें काफ़ी लड़कों का गलत भी होता है। सो इसको कैसे लिख लेते हैं, पहले नंबर को लिख लें 1 4 1 5 9 1 4 1 5 9 2 6 2 6 2 6 and 5 3 5 3 1 2 3 4 5 6 7 8 9। मैंने पहले 9 का ग्रुप बनाया 1 4 1 5 9 2 6 5 3 and 5। चलो एक इसमें मैंने 10 नंबर्स दिया, इस तरह से आप 10 10 10 ऐसे लिख लें। अगर गलती नहीं करना है तो, और आप बिना ऐसे लिखे भी काउंट कर सकते हैं तो कोई मैटर नहीं, लेकिन इसमें काफ़ी कन्फ्यूजन होता है। अब आप फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन टेबल कैसे बनाएंगे, है ना। सो अनग्रुप ऑफ फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन टेबल लिखेंगे, उसके नीचे आपको यहाँ लिखना है ये डिजिट्स हैं, उसके बाद में टैली मार्क्स लिखना है, उसके बाद में फ्रीक्वेंसी लिखना है। ओके, डिजिट कितने हैं, मैक्सिमम 0 है, 1 है, 2 है, 3 4 5 6 7 8 एंड 9 तक के। अब आपको क्या करना है, नीचे में टोटल रहेगी, नीचे में टोटल रहेगी, 0 कितने बार आया ये गिनना है। इस लाइन में तो नहीं है, लेकिन यदि आप आगे जाएंगे तो आगे चल करके आपको 0 हैं और वो हैं 2 टाइम्स दिया है, 0 इसमें 2 टाइम्स आया, एक लास्ट में है और एक बीच में है। सो 0 आया है 2 टाइम्स और टैली मार्क्स है 2। इस तरह से अब आपको ये गिनना है, ठीक है। काफ़ी अच्छी कसरत है, नंबर बिल्कुल पास पास में है। आप चाहो तो खुले लिख ले पहले, ठीक है, थोड़ा 2 मिनट का टाइम लगेगा पर एक्यूरेट आएगा। और बिना लिख करके आप करके देखें, और बुक के पीछे में इसका आंसर दिया है टेबल, उससे मैच करके देखें। ओके, सो ये था आज हमने पढ़ा अनग्रुप ऑफ फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन टेबल कैसे बनाते हैं। अनग्रुप ऑफ फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन टेबल में 3 कॉलम्स होते हैं, नीचे में टोटल जितने क्वेश्चन में डिजिट दिया वो आने चाहिए, और उसको आराम से काउंट करें और यहाँ पर लिखें, इतना ही होता है। और एनालिटिकल क्वेश्चन ये होता है कि मोस्ट कौन सा है, लिस्ट कौन सा है, रेयरेस्ट कौन सा है, इस तरह से पूछा जाता है। आपको इस तरह से ही करना है। ओके, सो उसके बाद में यदि आप क्वेश्चन 2 में पढ़ेंगे तो वहां पर क्वेश्चन में दिया है ग्रुप ऑफ फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन टेबल है, 4 में भी आपको ग्रुप्स बना के करना है, 5 में ग्रुप्स करना है, वहां क्वेश्चन देखेंगे ग्रुप ऑफ फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन दिया है, 8 में आपको मेक अ ग्रुप ऑफ फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन टेबल, यहाँ पर भी 5 to 10 दिया है, और 9 में भी ग्रुप दिया है। तो ग्रुप ऑफ फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन टेबल हम कल पढ़ेंगे, आज हमने अनग्रुप किया, कल मैं आपको ग्रुप ऑफ फ्रीक्वेंसी के बारे में पढ़ाऊंगा। ओके स्टूडेंट्स, सी इन द नेक्स्ट ब्रेक, गुड डे, गुड बाय, थैंक यू।